हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, देयर इज अ गोल्डन चांस टू बिकम एडीपीओ इन मध्य प्रदेश। एमपी में पहले नोटिफिकेशन निकल चुका था एडीपीओ का, और जो स्टूडेंट्स को अप्लाई नहीं कर पाए थे इन द मंथ ऑफ जुलाई, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है कि दोबारा से वैकेंसी रीओपन की गई है। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आज हम जानेंगे सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एवरीथिंग अबाउट दी एमपी एडीपीओ एग्ज़ाम 2021। ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि 2016 में इससे पहले एमपी ने एडीपीओ की वैकेंसी निकाली थी, बट एट दैट टाइम आपका सिलेबस भी अलग था, एग्ज़ाम पैटर्न भी डिफरेंट था, तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी डिफरेंट था। सो देर आर सो मैनी चेंजेस इन द ईयर ऑफ 2021। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दो चेंजेस, और आपको एडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम स्टेट के एपीओ एग्ज़ाम्स में पहले प्री होता है फिर मेंस होता है, लेकिन यहाँ आपका ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी एक ही परीक्षा होगी और उस परीक्षा के बाद सीधा आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही ना इस घंटी को भी प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। कल से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि एमपी एडीपीओ के लिए, क्योंकि यहाँ पे अराउंड टोटल 29 एक्ट्स आएंगे, जिसमें 3 मेजर लॉ हैं और 26 माइनर बेयर एक्ट्स हैं। तो इन माइनर एक्ट्स का और मेजर एक्ट्स का डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं फॉर दी एग्ज़ाम ऑफ एमपी एडीपीओ, और साथ साथ में जो आपका एक जनरल का अलग से 50 क्वेश्चंस आते हैं, उनका डिस्कशन भी कंटिन्यू रहेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू बी इन टच विद द एमके लीगल शिक्षा, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट मटेरियल टू आवर लीगल एस्पिरेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के साथ। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने क्या किया है भाई, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी यानी के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2021 परीक्षा स्थगन की सूचना, परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के हेतु सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा का विज्ञापन संख्या 3/2021 दिनांक 7 जून 2021 आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर जारी किया गया था। आयोग कार्यालय के वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से 5 दिसंबर को आयोजित की जानी थी, पर फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज स्टूडेंट्स ड्यू टू कोविड सिचुएशंस जो एग्ज़ाम अप्लाई नहीं कर पाए थे। कहते हैं ना कभी कभी लक, मैं आपको कहता हूँ कि हार्ड वर्क के साथ लक भी चाहिए, तो दिस इज़ द लक माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये वैकेंसी दोबारा मिली है। उक्त परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर नई डेट घोषित की जाएगी, ये तो सिर्फ कैंसिलेशन के लिए दिया गया है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि जो नई वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है, इसके लिए जो आपकी वैकेंसी पहले आई थी उसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हैं, एक्सेप्ट आपका देखेंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज है, अदरवाइज 184 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल के लिए अराउंड कितनी है 50 वैकेंसीज हैं। इसमें जो एमपी की मूल निवासी महिला, उनके लिए जो है 16 सीट रिजर्व रहेंगी, ठीक है, और जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी जनरल की TOH VH, ठीक है, विजुअली हैंडीकैप्ड, तो इन सब के लिए भी टोटल 12 सीट की यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। अभी नई डेट के अनुसार 13 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, 13 दिसंबर 21, प्लीज़ नोट डाउन दिस दिसंबर की
13 तारीख जो है आपकी लास्ट डेट है टू रीअप्लाई। जिन्होंने अप्लाई कर दिया था वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो इस डेट तक अप्लाई कर दें। अब एमपी एडीपीओ एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम जो है इसका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। प्रीवियसली इसके दो एग्ज़ाम होते थे। एग्ज़ाम के अंदर क्या रहेगा आपके 150 टोटल क्वेश्चन रहने वाले। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 150, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन जो हैं, कितने 50 क्वेश्चन जो हैं वो जीके से रहेंगे, ठीक है, जनरल नॉलेज के रहेंगे। और आपके 100 क्वेश्चन जो हैं ये किससे रहेंगे? ये लॉ से रिलेटेड रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका जो है 3 मार्क्स लेकर आएगा। कितने मार्क्स लेकर आएगा? 3 मार्क्स लेकर आएगा। और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने टोटल 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो मान लीजिए आपका 1 क्वेश्चन माइनस हो गया, ठीक है। गलत क्वेश्चन करने पर 1 मार्क्स आपका क्या है? काट लिया जाएगा। और ठीक करने पर 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है, यस, नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान में रखना है। अब सिलेबस की मैं एक बार बात कर लेता हूँ। सबसे पहले सिलेबस को लेके काफ़ी सारे डाउट्स थे, जीके का क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो देखिए, जनरल नॉलेज जो रहेगी ये टोटल 5 सेगमेंट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, एमपी की हिस्ट्री, एमपी का कल्चर और एमपी का लिटरेचर, ये 3 चीज़ें आपको एमपी से रिलेटेड पढ़नी पड़ेंगी। जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ भी मैक्सिमम एमपी से ही क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ दी एमपी, ऊपर की तीनों कैटेगरी जो है आपकी एमपी की, जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल और आपका कल्चरल जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी की बात कर रही है। फिर करंट इवेंट्स को 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया, पहला इंटरनेशनल, दूसरा नेशनल और तीसरा एमपी। यानी करंट इवेंट 3 तरह से पूछे जाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर से, ये भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, कंप्यूटर से भी कई सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे। देखिए, अगर इसका डिवीजन मैं आपको बता दूं तो आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे कि जो एमपीजीके है, एमपीजीके से जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसमें एमपीजीके से आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? 35 क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका इंडिया जीके है, इंडिया जीके से यहाँ पे जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। देन आ जाइए आपका इंटरनेशनल से, तो भैया इंटरनेशनल से आपके टोटल के टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? 5 क्वेश्चन इंटरनेशनल से रिलेटेड रहेंगे। तो 35 + 10 + 5, ये एमपी, ये तो आपका इंडिया लेवल और ये आपका इंटरनेशनल लेवल, ये आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है 50 क्वेश्चंस का। अब इनको भी थोड़ा सा इलोबरेट करके हम समझ लेते हैं कि क्या क्या आएगा। इसके लिए आप लूसेंट की बुक भी खरीद सकते हैं, ठीक है, या फिर महेश्वरी की एक एमपीजीके की अच्छी बुक आती है। बाकी आप अपनी तरफ से अच्छी बुक देख सकते हैं, मैं सिर्फ रिकमेंडेशन बता सकता हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है वो, आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हिस्ट्री, कल्चरल एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ दी एमपी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना आपको। आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर ऑफ एमपी, मेन ट्राइब्स एंड डायलैक्ट्स ऑफ एमपी, मेन फेस्टिवल, फोल्क म्यूजिक, फोल्क आर्ट ऑफ एमपी, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ एमपी एंड देयर लिटरेचर, मेन टूरिस्ट प्लेस ऑफ एमपी एंड इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ दी एमपी। काफ़ी वास्ट है ये सिलेबस, दिखने में जितना छोटा लगता है उतना है नहीं, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करके इसको भी पूरा कर ही लेंगे। फिर आ जाता है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से, फॉरेस्ट कितने, माउंटेन्स, रिवर्स ऑफ एमपी। रिवर्स को खास ध्यान से आपको देखना है, और स्पेशली सेंचुरी कहाँ पे क्या है ये हम फर्दर वीडियोस में इसके बारे में बात करते रहेंगे। क्लाइमेट ऑफ एमपी, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्स ऑफ एमपी, एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल,
कन्वेंशनल भी बताने हैं और नॉन कन्वेंशनल भी बताने हैं, मेन इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ द एमपी। फिर पॉलिटी से क्या आ जाएगा, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एमपी, हु इज़ द गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज इन एमपी, पंचायत के इलेक्शन भी यहाँ पे अराउंड फेब के आसपास होने वाले हैं, तो पंचायत राज से तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं उस टाइम रहे। सोशल सिस्टम ऑफ एमपी, डेमोग्राफी एंड सेंसस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज इन एमपी, ये तीन कैटेगरी तो होगी एमपी की। फोर्थ वन कम्स करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी, यानी कि करंट इवेंट्स की बात करता है भाई। इम्पॉर्टेंट कंटेम्परेनियस इवेंट्स, फेमस स्पोर्ट्स कंपटीशन अवार्ड, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड कंट्री, वेलफेयर स्कीम ऑफ एमपी स्टेट, फेमस पर्सनैलिटीज एंड प्लेसेज। देखिए ये बहुत ही वास्ट हो जाएगा आपके लिए वैसे, लेकिन वी विल ट्राई टू कवर आल्सो दिस, लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान अपना लॉ की तरफ फोकस रखना है क्योंकि वहाँ पे 100 क्वेश्चन हैं। अगर कहीं ना कहीं लीगल स्टूडेंट्स का हो जाता है कि वो यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जीके में थोड़े से डाउन हो जाते हैं, तो लॉ में अपना लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, ये मैं कहता हूँ सबसे ईजी है, स्पेशली इसमें ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स से आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। ये तो था जीके वाला, जहां वेटेज है आपकी 50 मार्क्स की और उसका डिवीजन हमने कर लिया था कि एमपी से आप कितना 35 क्वेश्चंस, इंडिया वाले से 10 क्वेश्चन और इंटरनेशनल से 5, ये आपका डिवीजन रहेगा। अब लॉ की बात कर लेते हैं। पहली बात तो दो पेपर नहीं है, ये अलग अलग मैं बता रहा हूँ, तो एक ही पेपर का बाइफरकेशन है, ठीक है। पेपर जो है आपका वो एक ही होने वाला है, जिसमें लॉ का एक पोर्शन रहेगा 100 क्वेश्चंस, जीके का एक रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चन, और टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे इनटू 3, आपका कितना हो गया 450 मार्क्स का टोटल यहाँ पे आपका पेपर होने वाला है। 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, 500 से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो लॉ को डिवाइड किया गया है एक तो मेजर लॉ में और एक आपका माइनर लॉ में। वहां पे डिवीजन ही उन्होंने यूनिट्स डिवाइड किए, टोटल 10 यूनिट्स डिवाइड की हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सिलेबस देखेंगे तो टोटल 10 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में। मेजर लॉ देखिए आपके क्या क्या हो जाएंगे मेजर लॉ, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी आप HJS की, RJS की, UKPO की जो तैयारी कर रहे थे, तो यू हैव गोन थ्रू ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ये आपके ऑलरेडी डन है। आपको खाली क्या करना है, रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन इन अ गुड वे, क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से, एंड यू विल गेट सक्सेस। अब आते हैं हमारे माइनर लॉ पे। अभी तक आपने देखा कि 3 तो आपके मेजर लॉ हैं और अभी बच गए आपके 26 जो हैं यहाँ पे माइनर एक्ट। कम नहीं होते दोस्तों 26 माइनर एक्ट, बहुत हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले की हम बात करें, मोटर व्हीकल एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है। थर्ड है आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। फोर्थ वन इज योर एक्साइज एक्ट अधिनियम, ठीक है, 1872। आर्म्स एक्ट 1859। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्यूसल एक्ट 2013, ये आपका RJS में भी था, ठीक है। तो आपको देखिए वहां से बेनिफिट मिलेगा। सेवंथ पे आता द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। एट्थ आपका आ जाता है द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। नाइन्थ है द मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। दस है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। 11 है आपका पी अत्यावश्यक सेवा संधारण एंड तथा विच्छिन्न निवारण एक्ट 1979। 12 है द मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रधान की गारंटी अधिनियम 2010। 13 है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस।
पॉक्सो ये भी आपका आरजेएस में आप पढ़ चुके हैं। 14th कहता है यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट, 15th कहता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये भी आपका आरजेएस में आप पढ़ चुके हैं। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एंड डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंस टू बी ब्रीड एंड ब्रीडग्रूम रूल्स 1985। फिर 17 आपका आ जाता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। 18 राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, 19 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 20 द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। 21 स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, रादर आई सेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, 22, देन 23 पे आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट, ये तो आप देखिए सभी में पढ़ते हैं, सभी एक्ट में इसकी वजह से चीज़ें ऐड की गई थी। 24 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एंड द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 एंड 26 लास्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये भी आप आरजेएस में पढ़ चुके हैं। तो देखिए आधी चीज़ें तो आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ एक माइनर एक्ट हैं जो आपके लिए नए हैं, ये 26 माइनर एक्ट डिसाइड करेंगे आपकी मेरिट को, मैं आपको बता रहा हूँ ये 26 माइनर एक्ट डिसाइड करेंगे। और एमके लीगल शिक्षा पे आपको हर एक माइनर एक्ट का वीडियोस विद फुल एक्सप्लेनेशन विद इम्पॉर्टेंट एरियाज विद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग अवेलेबल कराएंगे, जस्ट वी नीड द सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। ये तो आपने देखा कि सिलेबस का पार्ट क्या क्या था। अभी हमने कहा कि पहले जब आप 2016 में वैकेंसी निकली थी तो तब दो पेपर हुए थे, एक लॉ का पेपर होता था, एक पेपर आपका किसका होता था जो जीके का होता था, दोनों के पेपर 2 आवर्स के तब होते थे, ये भी 2 आवर्स का था, ये भी 2 आवर्स का था, 300 मार्क्स के लिए था, 300 के लिए ये था, प्लस 50 आपके इंटरव्यू के होते थे, 650 से आपकी मेरिट बनती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड पैटर्न की, किसकी ओल्ड पैटर्न है ये, अब पैटर्न जो है हटा दिया गया है। नया पैटर्न क्या आया है कि अब एक ही पेपर में दो चीज़ें ऐड हो, पेपर एक होगा जिसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, मैं क्वेश्चंस की बात कह रहा हूँ 150, ये जो 150 लिखा गया मार्क्स लिखा गया है फॉर दी 50 क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 ईच कैरिंग 3 मार्क्स, लॉ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन कितने 100 ईच कैरिंग 3 मार्क्स इंटू 300, तो टोटल हो जाएगा 450 और इंटरव्यू रहेगा 50 का। टोटल ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो ड्यूरेशन रहेगा वो यहां पे 3 घंटे का रहेगा, 3 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये आपका पेपर होना, एक ही पेपर होना है और इसमें 150 मार्क्स आपके जीके से लेने और 300 आपके यहां से लेने। तो देखिए आपका लॉ वाला जो एरिया है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ही जाता है और लोकल जीके में तो आप कवर कर ही लेंगे। मेरा ये एडवाइस है कि आप इंटरनेशनल में ज़्यादा ना घुसें, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दें अपना जो जनरल करंट अफेयर्स उन्हीं पे ध्यान दें, बिकॉज इसके प्रिपरेशन की कोई लिमिट नहीं है लेकिन इसकी तो है, इसको तो उन्हीं बेयर एक्ट से पढ़ना है आपको। सो वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज आवर प्रिपरेशन इन द लॉ, लॉ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है भाई, अब इसे स्टार्ट कर देना है। चलिए देखिए अब इसकी एक जो है अलग अलग वीडियोज़ आपको मिलेंगे, लोग पता नहीं अपने क्या क्या कहते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है, जो MPPSC की आपकी साइट है उस पर जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसका ये आपका वो है। अब देखिए जीके से 35%, भारत का सामान्य ज्ञान 10%, इंडियन जीके और इंटरनेशनल से 5, तो कितने होंगे खंड अ में यानी के जीके वाले पोर्शन में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, खंड बी यानी के लॉ वाले पोर्शन में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, प्रत्येक के हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 450 का पूरा पेपर होगा, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब ABCD होते ही अभी 4 विकल्प रहेंगे, ये तो होना ही है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, कितना होगा 3 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। आप 50 जो है यहाँ पे ये वस्तुनिष्ठ पर्सन होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है
50 होंगे, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव में से आपके 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे 100 होगा, यहाँ भी 3 का होगा। अब थर्ड 3 दिन से मतलब देखिए आपका 450 हो गया। अब आती है बात नेगेटिव मार्किंग की, तो जो ऋणात्मक मूल्यांकन है ना भाई, वो किया जाएगा 3R-W प्राप्त अंक से होगा। 3R मतलब जितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं मल्टीप्लाइड बाई 3, और जितने आपके गलत हैं मल्टीप्लाइड बाई 1, और उसको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि सही में से माइनस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है जितने गलत करेंगे उतने ही मार्क्स कम होंगे, ये याद रखिए। सीधा सा सिंपल है, जितने आपने क्वेश्चन कर दिए ठीक उसका मिलेगा 3 गुणा करके, और जितने आपने कर दिए गलत, ठीक है भैया, तो गलत करने पे आपको उतना ही नंबर क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदाय किया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दें कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग। इससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, साक्षात्कार में आपका इंटरव्यू जो है 50 नंबर का होगा। आई होप आपको यहाँ तक सिलेबस में और उसमें कोई इशू नहीं रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 13 दिसंबर से पहले पहले आप अपना इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दें। एज की बात थोड़ी छूट गई थी, तो एज मैं बता दूं आपको, कम से कम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स हो सकती है। कितनी हो सकती है, 21 से 40 आपकी एज यहाँ पे रहेगी। और इस यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो लॉ में LLM है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो है, या जो लीगल फील्ड में लिटिगेशन में है प्रैक्टिस कर रहे हैं मोर देन 2 ईयर्स की, तो भैया उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा इन द मेरिट, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। बाकी आपको अपना टारगेट बनाना है कि 450 से ना भैया 400 मार्क्स तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, ये टारगेट आपको रखना ही रखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करें ही करें, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें। फरवरी या मार्च में मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम होना, हम फेब मान के चलेंगे, हमारे पास दिसंबर और जनवरी सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने और 29 एक्ट और साथ में जीके, यानी कि डेली का कम से कम भी जो आपको 6 आवर्स का स्टडी टाइम देना पड़ेगा। और देखिए अगर आप लिटिगेशन में, तो जितने भी एक्ट पढ़ेंगे ना, ये नॉलेज वेस्ट नहीं जाने वाली है, ये आपके बहुत काम आएगी। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं mklegal6@gmail.com पे। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए जहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को आपने लाइक कर दिया, मुझे पूरा विश्वास है, दोस्तों से शेयर भी करें, और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि हम पहले कौन से माइनर एक्ट से स्टार्ट करें। मेजर से नहीं स्टार्ट करेंगे हम, माइनर से शुरू करेंगे, लेकिन किससे करें तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।